स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए और वीडियो में। तो हम लोग अभी सीख रहे थे एमएस वर्ड के होम टैब के सारे ऑप्शन को यूज करना। तो हम लोग ये सारे ऑप्शन को यूज करके देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए सारे प्रोवाइड कर दी हूँ और देखा है तो बहुत अच्छी बात है। आज के शुरू में हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैब के ये सारे ऑप्शन को यूज करना। तो होम टैब का हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप, फोन ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, एक एक ग्रुप को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हूँ कि कैसे यूज करना है। तो हम लोग आज देखते हैं इंसर्ट टैब के। तो सबसे पहले क्या है, कवर पेज। जैसे हम लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट, असाइनमेंट, नोटबुक का फ्रंट पेज जो रहता है, हम लोग उसको अच्छे से कवर पेज के रूप में हम लोग उसे डिजाइन करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन हम लोग को दिए हुए हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसे हम लोग ले लिए और यहाँ पे हम लोग ईयर को यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो ईयर हम लोग एडिट कर देते हैं। जैसे हम लोग को अभी क्या चल रहा है, 2024। तो यहाँ पे हम लोग एडिट कर देते हैं और हम लोग को नेक्स्ट किया है टाइप्स द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो टाइटल भी हम लोग ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे टाइटल क्या रख देते हैं, इंसर्ट टैब रख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम टाइटल को एडिट कर दिए। इस प्रकार हम अपने से एडिट कर सकते हैं एंड अलग से हम लोग कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके यहाँ पे और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे सेव में गए और यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लिए और यहाँ पे कुछ भी लिख दिए तो हम लोग यहाँ से और भी ले सकते हैं, तो और भी एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है इंसर्ट टैब का फर्स्ट ऑप्शन ये है कवर पेज। तो इस प्रकार हम लोग एडिट कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज में फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकेंड क्या है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे हम लोगों को अभी ये वाले पेज में है, हम लोगों को नेक्स्ट और पेज लेना है तो ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा अभी कितना है, 3 पेज है। और ब्लैंक पेज लिए तो यहाँ पे एक और इंसर्ट हो गया पेज, 4 पेज हो गया। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करोगे तो भी ये पेज इंसर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर ये नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से भी ब्लैंक पेज ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या रहता है, जैसे हम लोग कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ का शॉर्टकट क्या है आप लोगों को तो पता ही होगा, इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन इंटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे एक पैराग्राफ इसी पेज में रखना है और नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोगों को इसको दूसरे पेज में ले जाना है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो हम लोगों का बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग को डायरेक्ट ले जाना है तो यहाँ पे हम लोग कर्सर ले गए यहाँ पे या फिर यहाँ पे कर्सर ले गए। उसके बाद पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ से पैराग्राफ ना होगा सेकेंड पेज में आ जाएगा, ओके। इस प्रकार हम लोग पेज ब्रेक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेबल। हम लोगों को टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग टेबल जो नीचे देखने को मिल रहा होगा ड्रॉप डाउन बटन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हम लोग टेबल रो कर सकते हैं, जितना भी हम लोगों को लेना है रो एंड कॉलम। अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं लेना है तो आप लोग इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ से भी आप लोग जैसे नंबर दे सकते हो कि हम लोगों को कितना चाहिए, 5 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। उस प्रकार हम लोग फिर ओके कर देंगे तो हम लोगों का 5 कॉलम आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और रो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। इसमें आप लोगों को ड्रो टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिला होगा, ड्रो टेबल पर क्लिक करोगे तो वहां से और अपने अकॉर्डिंग ड्रो कर सकते हो टेबल जैसा भी आप लोगों को लेना है। और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आप लोगों का टेबल टूल्स ओपन हो जाता है यहाँ पे। इसमें आप लोगों को देखने को मिलता होगा ड्रो टेबल, तो ड्रो टेबल तो वही है। यहाँ से आप लोगों को किस प्रकार का आप लोगों को लाइनिंग चाहिए टेबल, डबल लाइन, डॉट डॉट स्पेस या फिर ट्रिपल लाइन, मोटा या फिर इस प्रकार हम लोग यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का उसका मोटाई भी, जैसे उसका विड्थ, तो विड्थ भी चूज कर सकते हैं कि हम लोग कितना मोटा चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे एक देखने को मिल रहा होगा इरेजर। इरेजर पर क्लिक करके हम लोग को टेबल को किसी को इरेज करना है तो यहाँ से हम लोग को यहाँ से इरेज करना है तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं। हम लोगों को शेडिंग चाहिए तो यहाँ पे हम लोग शेडिंग ले सकते हैं, कोई भी टेबल में कोई भी कलर हम लोग शेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते होंगे, टेबल स्टाइल यहाँ से आप लोग कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे और बहुत सारे हैं, जैसा भी आप लोगों को लेना है यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पिक्चर। अगर हम लोगों को पिक्चर इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक करके आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर में अवेलेबल है जो पिक्चर यहाँ से आप लोगों को शो करने लगेंगे, यहाँ से आप लोग ले सकते हो। जैसे सैंपल के लिए मैं इसे लेकर दिखाती हूँ, डाउनलोड किया हुआ है
तो यहाँ से हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम में पहले से अवेलेबल होता है कुछ पिक्चर्स, वो आप लोगों को यहाँ पे शो करते हैं। जैसे मैं एनिमल सर्च की, उसके बाद बुक की, तो एनिमल से रिलेटेड सारे हम लोगों को पिक्चर शो करने लगेंगे। यहाँ से हम लोग कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते, ब्लैंक रखते हो, उसके बाद गो करते हो, तो आप लोगों के सिस्टम में जो जो भी अवेलेबल है पहले से, वो बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को शो करने लगते हैं। आप लोग कोई भी ले सकते हो। ओके और कुछ कुछ आप लोग यहाँ पे सर्च करके भी ले सकते हो, कंप्यूटर, एनिमल्स, हट का नहीं देता है, कुछ कुछ देते हैं और कुछ कुछ नहीं देते हैं। जो जो अवेलेबल है वो सारे आप लोगों को यहाँ शो करने लगेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर सर्च करोगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे आप लोगों को इमेज शो करने लगेंगे। आप लोगों को अगर ये इमेज मूव नहीं होता है, तो मूव करने के लिए क्या है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग पे जाके आप लोगों को थ्रो पर क्लिक करना, उसके बाद आप लोगों का ये इमेज मूव हो जाएगा, कहीं भी आप लोग ले जा सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग क्लिप आर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का शेप। जैसे हम लोगों को यहाँ पे शेप लेना है कोई भी, हम लोग को शेप में बहुत सारे हम लोग को शेप डिजाइन देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम लोग शेप ले सकते हैं, बेसिक शेप, ब्लॉक, एरो, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स। जैसे हम लोगों को कोई भी इमोजी लेना है, तो इमोजी यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं जो कि शेप से लिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप लोग इसमें कलर फिल कर सकते हो, जो भी आप लोगों को करना है। यहाँ पे आप लोग कोई भी ऑप्शन को यूज करते हो, तो यहाँ से ड्राइंग टूल्स से ओपन हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे आप लोगों को एडिटिंग के लिए शो करते हैं। यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो। इंसर्ट में जाएंगे, शेप पर जाएंगे, हम लोग को जैसे रेक्टेंगुलर लेना है तो एक रेक्टेंगुलर ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो इस प्रकार हम लोग शेप में बहुत सारे शेप डिजाइन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या रहता है, स्मार्ट आर्ट में आप जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे इस प्रकार के आप लोग देखने को मिला होगा। पहले आप लोग क्लास में पढ़ते रहे होंगे, तो इस प्रकार हम लोग टाइप्स लिखते हैं कि टाइप्स वाइप्स लिखना है, टाइप्स लिखना, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन बनाते हैं कोई भी ऐसे लिखने का, तो इस प्रकार हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, चार्ट का। और आप लोग इसको टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, चार्ट। तो चार्ट आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, कॉलम्स लाइन के रूप में, पाई, बार, एरिया, तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पे शो करने लगते हैं। लाइन के रूप में लेना है तो ये रहा लाइन के रूप में है, और पाई के रूप में तो पाई, सरफेस, डॉट नट, तो इस प्रकार लोगों को कई सारे आप लोगों को चार्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग इसे टेक्स्ट को आप लोग एडिट भी कर सकते हो। जैसे हम लोगों को इसे लेना है तो सिलेक्ट किए और ओके कर दिए, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ आप लोगों को एक एक्सेल का भी बॉक्स ओपन हो जाता है, तो इस चार्ट के रूप में यहाँ पे आप लोगों को एक्सेल में डाटा एंट्री होता जाता है। तो इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड को जानते हैं। तो हम लोगों को इसमें आप लोग कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, इस प्रकार हम लोग को चार्ट देखने को मिलता है। इसमें आप लोग एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सिलेक्ट डाटा, एडिट डाटा, तो इस प्रकार लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को कलर को चेंज करना है तो कलर को चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज के शेड्यूल में बस इतना ही। देखते हैं पेज ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लिंक्स का, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। तो आज का वीडियो लंबा होने के कारण आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग एक लाइक दे दीजिएगा, और आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।